हम सभी ने अपनी तस्वीरों में कभी ना कभी देखा है कि देवी माता की 8-8, 10-10 भुजाएं हैं और उनके सभी के हाथों के अंदर शस्त्र हैं, कुछ टूल्स हैं जिसके जरिए उन्होंने राक्षस का संहार किया, दानव का संहार किया और वो हमेशा देवी माँ के पैरों में होते थे। एक्चुअल में ये तस्वीरें, ये मूर्तियाँ हमें कुछ सिखाना चाहती हैं। ये असुर, ये दैत्य कोई और नहीं, आपके अंदर है। वो देवियाँ, वो शक्ति कोई और नहीं, आपके अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सभी कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं, ये कुछ ऐसे असुर हैं जो आपकी दिव्यता को धीरे धीरे खा जाते हैं और उसको इतना कम कर देते हैं कि आपके अंदर आसुरी गुण ज़्यादा हो जाते हैं और दैवी गुण धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। इन नवरात्रों में हमें इन दैवी गुणों को बढ़ाना है और जो आसुरी गुण हैं उन्हें कम करना है। रियल सेंस में देखा जाए तो इन 9 दिनों में हमें इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और 9 दिनों में प्रैक्टिस करते करते आप उस चीज़ के आदि हो जाएंगे और आप उसको अपनी ज़िंदगी में भी अपना लेंगे। तो ये रियल सेंस था इन देवियों का जिनमें, और हमने कहानियाँ बना ली कि कोई देवी थी, उसने 9 दिनों तक युद्ध किया और इन दी एंड राक्षस को मार दिया, महिषासुर को मार दिया। महिषासुर कहीं नहीं है, महिषासुर आपके अंदर है, महिषासुर हमारे अंदर है। हम मंदिर में पूजा करके बाहर निकलते हैं, कोई भिखारी आपसे कोई चीज़ मांग लेता है, कुछ पैसे मांग लेता है, तब आप उसे कितना प्रताड़ित करते हो, कितना गुस्सा होते हो, कुछ कमा के खा, कुछ कर, इस प्रकार से उसे आप बहुत ही कटु वचन बोलते हो। आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जूतों की सेवा करते हैं, ठीक है, जूतों को लेते हैं, उनको रखते हैं और बाहर आकर आप अगर कोई आपके जूतों के ऊपर थोड़ा सा पैर रख दे, तब आपके अंदर वो आसुरी शक्तियाँ फिर से आ जाती हैं, वो दैवी गुण फिर से कम हो जाते हैं। आप तपाक से आपका कहीं कंधा लग जाए कहीं रास्ते पे ऊपर जाते हुए, तब आप कितना अकड़ कर बोलते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तू जानता है मैं कौन हूँ। ये अहंकार, ये गुस्सा, ये काम वासना, ये विकार, इन 9 दिनों में हमें इन विकारों को, इन बुराइयों को कम करना है। और ये कैसे होगा? उस शक्ति को आह्वान करने से। अब बात करते हैं कि हमारी देवियों की 8-8 भुजाएं हमने दिखाई हुई हैं मूर्तियों में, अपनी तस्वीरों में उनकी 8 भुजाएं हैं और उन हरेक भुजा के अंदर एक हथियार था। क्या रियल सेंस में ऐसा हो सकता है? अगर मेडिकल कंडीशन में कभी किसी बच्चे के 3 या 4 हाथ हो जाएं, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी सर्जरी कराएंगे। क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे ऐसे पैदा हो? नहीं ना। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन बताई गई थी। जो ये काम विकार है, जो ये असुर है, इसे हम कैसे मार सकते हैं, ये कुछ टूल्स थे। ये अष्टभुजाएं आपको कुछ हथियार दिए गए थे, कुछ पावर आपको दी गई थी जिसके ज़रिए आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बुरी शक्तियों का आप खात्मा कर सकते हैं। सामना करने की शक्ति, पेशेंस की शक्ति, स्थिति को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शक्ति। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, मैंने नहीं किया ये काम, किसी दूसरे बंदे ने किया है। आपका कंधा लग गया किसी के साथ या किसी का कंधा, किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आपके अंदर पेशेंस है? आप तपाक से उसको जवाब देना चाहता है? तो ये कुछ ऐसे आसुरी गुण थे जिनको इन टूल्स के जरिए, जो ये 8 भुजाएं बनाई गई हैं, हमारे हाथ बनाए गए थे देवी माँ के, वो इन दिस सेंस वो आपके कुछ हथियार थे, कुछ टूल्स थे जिनके जरिए क्षमा, सामना करने की शक्ति, पेशेंस, भलाई, दया, करुणा, ये ऐसे टूल्स थे जिनकी मदद से आप आपके अंदर एक ऐसा चेंज लेकर आ सकते हैं ताकि वो आपकी ज़िंदगी में उन बुराइयों को ख़त्म करते। ये था रियल मीनिंग उन चीज़ों का। पर हम देवी माँ की 8 मूर्तियाँ, 8 भुजाओं वाली मूर्तियाँ ले आए और उनकी पूजा करने लग गए, ये रियल मीनिंग नहीं है। अब बात करते हैं व्रत की।
हम सभी नवरात्रों में व्रत रखते हैं, खाने पीने से परहेज करते हैं, पानी कम पीते हैं, खाना कम खाते हैं। अच्छी बात है, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो खाना कम खाना चाहिए। खाना कम खाएंगे तो आलस कम आएगा, आलस कम आएगा तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आएगी। अब तो साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि जब हमारे अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा पैदा होती है जब हम कम खाते हैं, रादर देन जब हम ठूस ठूस कर अपने अंदर खाना शुरू कर देते हैं। पर इन द रियल सेंस कि आप व्रत भी सही तरीके से करते हैं, मुझे नहीं लगता। व्रत में आप आलू खा लिए, चिप्स खा लिए, आप अपना चीज़ें रोटी ना खाकर उन सभी चीज़ों से भर लेते हैं, होता तो उनमें भी नमक है, आप उनको ठूस ठूस कर अपने अंदर भर लेते हैं, आपका पेट फुल हो जाता है और आप बोलते हैं कि मैंने नवरात्रों का व्रत लिया हुआ है। ये रियल सेंस का व्रत नहीं है। व्रत लेना है तो इन 9 दिनों में कीजिए कि मैं आज इन 9 दिनों में कोई क्रोध नहीं करूँगा, मैं इन 9 दिनों में सबसे प्रेम से बात करूँगा, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई काम वासना नहीं, किसी लड़की को देखकर मेरे अंदर कोई विकार ना आए, इन 9 दिनों में मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा। ये व्रत होते हैं, एक प्रतिज्ञा होती है। व्रत का दूसरा मीनिंग प्रतिज्ञा है। हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हों, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हों, हमारी वजह से किसी दूसरे के कुछ हेल्प हो, उसकी ज़िंदगी में कुछ सवर सके। ये है रियल मीनिंग इन नवरात्रों में। उम्मीद है ये आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। तो अपने अंदर की इन रियल पावर्स को जगाइए, अपनी पावर्स को जगाइए, अपने अंदर की उस शक्ति को जगाइए, तभी इन नवरात्रों को सही मायनों में मनाने का फ़ायदा है। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू वेरी मच।